नई दिल्ली से लखनऊ के बीच तेजी से भागती तेजस एक्सप्रेस बाहर से अपनी सुविधाओं और ग्लैमर के लिए जितनी फेमस है, उसके भीतर की सच्चाई उतनी ही खौफनाक है। कहने को तो तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली ट्रेन है जो IRCTC और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलती है। देश में इस ट्रेन को ये कहकर लाया गया था कि इसमें यात्रियों को प्लेन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, साथ ही ये ट्रेन सामान्य ट्रेनों के मुकाबले फास्ट होगी। लेकिन जब से तेजस एक्सप्रेस चालू हुई है, तब से ही कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो इस चमकती दुनिया के कई राज खुलती हैं। यात्री ट्रेन होस्टेस के साथ कभी छेड़खानी करते हैं तो कभी बेवजह उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। इतना ही नहीं, स्वयं रेलवे के कर्मचारी भी ट्रेन होस्टेस के साथ बेहद बुरा व्यवहार करते हैं। 18 घंटे की लंबी शिफ्ट करने के बावजूद होस्टेस को समय पर सैलरी नहीं मिलती और उन्हें बेवजह कभी भी बिना नोटिस के नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे ज्यादातर लोग अनजान हैं। तो आइए जानते हैं तेजस एक्सप्रेस की चमकती दुनिया का वो काला सच जो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है। महंगा किराया, होस्टेसेस का शोषण। भारत में रेलवे का इतिहास काफी पुराना रहा है। बदलते समय के साथ एक से बढ़कर एक ट्रेनें भारत में आईं। अब भारतीय बुलेट ट्रेन के इंतजार में हैं। लेकिन रेलवे की मौजूदा हालातों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि रेलवे ट्रेन के संचालन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। महंगा किराया होने के साथ साथ कई ट्रेनों में निर्धारित सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती। तेजस एक्सप्रेस इसका जीता जागता उदाहरण है। चूँकि तेजस एक प्राइवेट ट्रेन है, इसलिए इसका किराया सामान्य ट्रेनों के मुकाबले काफी महंगा है। तेजस भले ही यात्रियों के लिए तमाम सुविधाओं से लैस हो, लेकिन इसमें ट्रेन होस्टेस को प्लेन जैसी सुरक्षा नहीं मिल पा रही। यात्रियों समेत सहकर्मी और स्वयं रेलवे इन होस्टेसेस का शोषण कर रहा है। ट्रेन में मौजूद होस्टेसेस की माने तो उनसे 18 घंटे की शिफ्ट कराई जाती है और IRCTC बिना वजह कभी भी उन्हें नौकरी से निकाल देता है। हाल ही में एक वाक्या सामने आया था जब IRCTC ने तकरीबन 20 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। दरअसल दिवाली के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए तेजस एक्सप्रेस में कुछ अतिरिक्त बोगियां जोड़ी गई थीं और लोगों को नौकरी पर रखा गया था। दिवाली के खत्म होते ही लोगों की जरूरत भी खत्म हो गई, जिसके बाद IRCTC ने नौकरी पर रखे लोगों को बिना नोटिस निकाल दिया। हालांकि जब रेलवे से इसका जवाब मांगा गया तो उसने सारे आरोपों को नकार दिया। IRCTC का कहना है कि किसी को काम से नहीं निकाला गया है। जब तेजस एक्सप्रेस की अन्य ट्रेनें चलेंगी तो उन्हें वापस नौकरी पर बुलाया जाएगा। इस तरह IRCTC समेत रेलवे खुद उन लड़कियों के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 18 घंटे की शिफ्ट और 10,000 तनख्वाह। तेजस एक्सप्रेस में होस्टेसेस से 18 घंटे की शिफ्ट कराई जाती है। यही नहीं, महीना पूरा होने के बावजूद उन्हें कई दिन तक सैलरी भी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, IRCTC ने कुछ ऐसे नियम भी बना दिए जिसकी वजह से होस्टेसेस पर बेवजह फाइन लगाया जाता है। काजल या लिपस्टिक न लगाने पर ₹50 का फाइन लगाया जाता है। देखा जाए तो तेजस एक्सप्रेस में होस्टेसेस को प्लेन जैसी सुविधा के लिए रखा गया था, लेकिन उन्हें मजदूरों जैसी सैलरी और काम दिया जाता है। खबरों की माने तो तेजस एक्सप्रेस में होस्टेसेस को ₹10,500 सैलरी दी जाती है। हायरिंग करने वाले वेंडर। इन ट्रेन होस्टेसेस की हायरिंग IRCTC नहीं बल्कि वृंदावन फूड प्रोडक्ट्स करता है। ये रेलवे का वही वेंडर है जिसके एक विज्ञापन पर बवाल हो गया था। इस वेंडर की तरफ से अखबार में नौकरी के लिए एक विज्ञापन दिया गया था जिसमें साफ लिखा था कि सिर्फ अग्रवाल वैश्य कम्युनिटी के लोग ही नौकरी के लिए आवेदन करें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसी सोच रखने वाली कंपनी को तेजस में होस्टेसेस को नौकरी पर रखने की जिम्मेदारी क्यों दी गई? यात्री करते हैं होस्टेसेस के साथ बदतमीजी। रेलवे ने तो होस्टेसेस का शोषण करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन रही सही कसर यात्री पूरी कर रहे हैं। कोई होस्टेसेस को छूने की कोशिश करता है तो कोई सेल्फी और वीडियो बनाता है। तेजस में होस्टेसेस की नौकरी कर रही इन लड़कियों को अपना गुस्सा और दुख चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपाना पड़ता है। ट्रेन में होस्टेसेस के साथ बदतमीजी कर रही यात्रियों ने भले ही तेजस में यात्रा करने के लिए पैसे जुटा लिए हों, लेकिन शायद वे औरत की इज्जत करने के लिए तमीज नहीं जुटा पाए। हालांकि IRCTC ने ऐसे यात्रियों पर लगाम लगाने के लिए खास कदम जरूर उठाए थे, लेकिन स्थिति देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि IRCTC अपनी जिम्मेदारी निभा पाने में विफल हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।